अगर असली ठाकुर होता तो वो कभी जाति नहीं पूछते राहुल गांधी की, क्योंकि असली ठाकुर कभी किसी की जात नहीं पूछता, वो अपनी बात को रखता है और अपनी बात को संसद में उठाता है। राहुल गांधी इस देश के जननायक हैं और जाति की बात कहते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि वो सहजादे हैं। सहजादे नहीं है, राहुल गांधी शहीद जाते हैं, क्योंकि उनका खून और उनके पूर्वज इस देश के लिए शहादत दिए थे। अनुराग ठाकुर जैसे लोग बदतमीज लोग, उनकी बदतमीजी एक बार नहीं कई बार हम लोग देख चुके हैं। जितनी जल्द हो राहुल गांधी जी से माफी मांगे। ठाकुर का आज वाराणसी में विरोध हो रहा है, विरोध क्यों हो रहा है? हालांकि जो तमाम जो कांग्रेस के नेता है कार्यकर्ता है वो सड़क पर उतरे हैं अंबेडकर प्रतिमा के ठीक बाहर। उन्होंने अनुराग ठाकुर का हाथ में पोस्टर लिया और मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही साथ उनका पुतला भी दहन किया। हम सीधा उनसे बात करेंगे, जानेंगे सर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं अनुराग ठाकुर। सदन के अंदर जिस तरह से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी पर इन्होंने अभद्र टिप्पणी करते हुए उनकी जात पूछा गया और उसी के विरोध में, और जबकि नेताओं की डॉक्टर की मास्टर की कोई जात नहीं होती, सदन के अंदर जात से चुनके नहीं गए, किसी लोकसभा क्षेत्र जनता के प्रतिनिधि के रूप में गए हैं और सदन के अंदर जात पूछा जाए तो उसकी घोर निंदा करते हैं। और उसी के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में अनुराग ठाकुर का पुतला का दहन किया गया। अच्छा, अनुराग ठाकुर और भाजपा के तमाम लोगों द्वारा राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू कहा जा रहा है, वो घबरा गए हैं। खाली हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की परिभाषा पहले वो खुद जान ले तब तो दूसरे को एक्सीडेंटल कहे, चाहे जो मैं सोचो करे। संजीव जी एक मिनट जरा बात है, ये बताइए क्यों विरोध हो रहा है राहुल गांधी को जो टिप्पणी किया गया उसके लिए, या फिर जो अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पूछ ली उसके लिए? देखिए, राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ा दर्शन रखा है उस बजट पे। हम भी बात कर सकते हैं साहब कि शिक्षा पे कितना रहा, रेल पे कितना रहा, डिफेंस पे कितना रहा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के वित्त मंत्री जो हलवा परोस रही हैं वो 73% हलवा जिन लोगों के पास जाना चाहिए, यानी इस बजट का जो हिस्सा जाना चाहिए इस देश के पिछड़े के पास, SC ST के पास, अल्पसंख्यक वर्ग के पास और सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों के पास, वो तो नहीं जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के लोगों ने, हमने तो नहीं, हमारे साथियों ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी के कहने पे कोरोना पीरियड में ताली बजाई, थाली बजाई और लाइट भी जलाया और उसके पेट में और उसके सीने पे छुरा घुपा। और राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा कि साहब जाति जनगणना कब होगी, जो राहुल गांधी को एक फर्जी मुकदमे में आपने डाल दिया। तो आज जो अनुराग ठाकुर का ये बयान, क्योंकि अनुराग ठाकुर को हम गोली मार ठाकुर के नाम पे जानते हैं, दिल्ली दंगे में उनका कितना बड़ा योगदान था, और ये एक सीरीज है। रमेश बिधुड़ी के बारे में क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का, क्या कार्रवाई किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उपहार स्वरूप रमेश बिधुड़ी को राजस्थान के एक लोकसभा का प्रभारी बना के भेजा। वही रमेश बिधुड़ी राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उस पर अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पूछी, उसमें क्या कहा? राहुल गांधी के बारे में मुझे लगता है कि पत्रकार साथी, आपके पत्रकारों को तो कम से कम ये सवाल नहीं पूछना चाहिए जो संसद के कैद में थे। राहुल गांधी जाकर के आपको भी छुड़ाने का काम किया तो आप पूछे उनकी जात क्या थी, अरे वो भी पत्रकारों की जात में थे। राहुल गांधी जिस मोची के पास जाते हैं वो भी उसी के साथ हैं, राहुल गांधी उस बढ़ई के पास भी जाते हैं, राहुल गांधी उस मोटरसाइकिल बनाने वाले मैकेनिक के पास जाते हैं, राहुल गांधी उस ट्रक ड्राइवर के पास जाते हैं, राहुल गांधी उस कूली के पास जाते हैं, पूछे क्या जात है? इसलिए कबीरदास ने कहा था कि जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार की, रहने दो म्यान। राहुल गांधी इस देश के जननायक हैं और जाति की बात कहते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि वो सहजादे हैं। सहजादे नहीं हैं, राहुल गांधी शहीद जादे हैं, क्योंकि उनका खून और उनके पूर्वज इस देश के लिए शहादत दिए थे। उनकी जात का नाम शहादत है और उनके लोग इस देश के लिए शहीद हुए, शहीद होना उनके धर्म में है। इसलिए गांधी परिवार पर टिप्पणी हिंदुस्तान के आज़ादी के उन तमाम क्रांतिवीरों के ऊपर अपमान है, वो गाली है। इसलिए सड़कों पर अनुराग ठाकुर, रमेश बिधुड़ी जैसे इन चिंदी चोरों का तब तक विरोध होगा जब तक इनको संसदीय परंपरा से बाहर नहीं करते नरेंद्र मोदी। चलिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आज अगर देश की 73% जनता की बात करना राहुल गांधी का, ये एकदम हार से बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी वो अब इस तरह के अपने रूप में आ गई है, जो हम लोग कहते हैं कि ये उनके गोडसे के मानने वाले लोग हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि वो उस शहीद खानदान का जो है जात पूछ रहे हैं, और जात पूछने का तरीका भी होता है, जात पूछिए आप, लेकिन जात पूछने का तरीका होता है, लेकिन आपने जो है कटाच किया है, वो कटाच के परिवेश में जो आपकी परिधि से बाहर जाता है, कारण ये है कि आपकी भी जाति कुछ नहीं है। अगर आप ठाकुर लिख रहे हो तो इसकी प्रामाणिकता आपको देनी पड़ेगी कि आप ठाकुर हो,
लेकिन निश्चित तौर पे हार से बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है जो जो गंदे से गंदा कृत और कृत तो कृत वो संसद में करना चाह रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हम कांग्रेस के लोगों ने जो यहाँ पर अनुराग ठाकुर का जो है पुतला फूका वो सही मायने में एक सही कदम था और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। सर आप क्या कहेंगे जवाब? मैं तो बस यही कहूँगा, अनुराग ठाकुर जैसे लोग, बदतमीज लोग, उनकी बदतमीजी एक बार नहीं कई बार हम लोग देख चुके हैं। जितनी जल्द हो राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगे, अन्यथा उनका विरोध इसी तरह बनारस जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वहाँ भी हम लोग पुतला फूके हैं और हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका विरोध और पुतला फूकेंगे। क्या कहेंगे? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर असली ठाकुर अनुराग ठाकुर होते, अगर असली ठाकुर होते तो वो कभी जाति नहीं पूछते राहुल गांधी की, क्योंकि असली ठाकुर कभी किसी की जात नहीं पूछता, वो अपनी बात को रखता है और अपनी बात को संसद में उठाता है। अनुराग ठाकुर असली ठाकुर नहीं है इसलिए वो राहुल गांधी की जात पूछ रहा है। धन्यवाद। तो देखिए तमाम लोग जो कांग्रेस के नेता थे, कार्यकर्ता थे, अम्बेडकर जी की प्रतिमा के ठीक बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे और संसद में अनुराग ठाकुर द्वारा राहुल गांधी की जाति पूछी गई उसको लेकर आक्रोशित थे। काशी ही नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में इन लोगों का आक्रोश जारी है। के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।